हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन करके चलना पड़ेगा। अगर हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आए, नहीं अदरवाइज बाकी सिंपल बहुत ज्यादा चैप्टर है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड का इंट्रोडक्शन क्या है। सॉलिड, ए सॉलिड इज डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ मैटर विच पजेस डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम एंड रिजिडिटी। यहां पर रिजिडिटी का मीन समझाएंगे। यहां पर रिजिडिटी का मीन है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि हम किसी चीज को प्रेस करें और उसे पीछे की तरफ नहीं धकेला जा सकता, उसे प्रेस नहीं किया जा सकता, वो क्या है हमारी सॉलिड। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड विच हैव डेफिनेट शेप साइज और वॉल्यूम। अब डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम है तो उसका रीजन क्या होगा। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड सो डेंसिटी इज हाई। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कि जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अब ये पार्टिकल बहुत पास पास लगे हुए हैं तो ये काफी क्लोजली पैक्ड है। कैसे पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड। अब जब पार्टिकल पास पास लगे होंगे तो ऑब्वियसली थिंग कि डेंसिटी हाई होगी, यानी पास पास ज्यादा होने पर डेंसिटी हाई होती है। सॉलिड इज हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मैं जैसे अपने हाथों को लेता हूं, अगर इनके बीच में लूज फोर्स है तो ये क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, लेकिन अगर इसे मैं बहुत तेजी से दबाने लगूं या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पास पास आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन एंड कैन ऑल्सो ऑस्किलेट अबाउट दियर पोजिशन। पार्टिकल्स इतनी मजबूती से यानी इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं कि ये सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि हम मेटल्स में देख सकते हैं, मेटल्स में जैसे कि हमने किसी बेल को रिंग किया या किसी मेटल को हिट किया, हैमरिंग किया, तो उसमें से जो ट्यून आती है वो सिर्फ ऑस्किलेशन की वजह से आती है। इसलिए तो फिक्स पोजीशन पर होने की वजह से ये सिर्फ अपनी जगह पे ऑस्किलेट करते हैं। इसी चीज को लेकर के सीबीएसई की जो 12th क्लास है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड आर रिजिड, एनसीईआरटी टेक्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। आंसर, सॉलिड आर रिजिड। किसी चीज का इनकम्प्रेसिबल होना सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा, एक कि उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और दूसरा कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग हो। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे, पार्टिकल्स पास पास होंगे तो उनके बीच का गैप भी कम होगा। तो सभी बच्चे इसको एक बार ढंग से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये है,